तेरी सारी बीमारी चली जाएगी, समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, वैसे कर, बंदोबस्त करके रख। मैं तेरे को फोन करता हूँ एक घंटे के लड़के से बात कराओ। तीन दिन बात किया ना लड़के से अच्छे से? नहीं, लड़के से मैं बात ही नहीं किया। तीन दिन मेरे से बात कहाँ किया? लड़का मेरे पास आया कहाँ? तीन दिन लड़के से बात किया है तूने? तू मेरे को ये ना मत बना, समझ में आ रहा तेरे को बात? इससे पहले तूने हाँ बोला और अभी तू ना बोल रहा है, तेरे को क्या पागल है यहाँ पे? पहले हाँ बोला और अभी ना बोल रहा है? तो लड़के से बात किया था तो मेरे से मोबाइल से बात हुआ था, यहाँ पे मैं यूपी में बैठा हूँ। लड़के से अगर बात करने का है तो पैसा लेके तैयार हो और तुरंत इधर आ गया। कितना कब तक आएगा तू? मेरे को तो 24 घंटे लगेगा भैया, कम से कम 24 घंटे मैं नहीं रुक सकता है। कल के कल तू मेरे को यहाँ पे चाहिए। कहाँ पे? बॉम्बे में। और कहाँ पे? तो बॉम्बे में कहाँ पे आना भैया, बताएंगे ये भी? पहले निकल तो सही, यूपी से निकल तो सही, बॉम्बे पहुँच तो सही, फिर बताऊंगा ना क्या। अभी जब पूछ के देगा एड्रेस दो पूरा, तो बिना एड्रेस दो तेरे को पूरा। इधर रखा है क्या रखा है, किसके साथ रखा है, दो तेरे को एड्रेस पूरा। पहले घर से निकल, पहले पैसे का बंदोबस्त कर, पहले घर से निकल, गाड़ी पकड़, इधर आना। ये वास्तव में लाइन बाजार का घटना असल नहीं है। ये लड़का है अनिल, जो अपने पिता ओम प्रकाश विश्वकर्मा जो मुंबई में रहते हैं वहाँ ये गया था। ये लड़का इंटर पास है और ये 11 तारीख को गया है यहाँ से। कल इसके यहाँ शाम को कोई फ़ोन आया जिसमें ये किसी के कब्जे में है, उन्होंने उसके मोबाइल से ही 1,00,000 रुपये की मांग की है। इनके परिजन जो है वहाँ पे स्थानीय थाना मुंबई में कांदीवली में बैठे हुए हैं। हमारी पुलिस भी उनके नियमित संपर्क में है और हम लोगों ने भी इनके नंबर को सर्विलांस में लिया है। यदि इस तरह से कोई तथ्य सामने आता है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़का उनका बरामद हो, और जो लड़का इस समय मुंबई में है। को 6 बजे फोन आया, बोला मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, 1,00,000 रुपये लेके आओ मुंबई में। मैंने पूछा कहाँ पे आऊँ लेकर, बोले तुझे पता ठिकाना सब बताऊँ, तुम पहले निकल तो वहाँ से सही। बार बार फ़ोन किया, फिर 8 बजे फ़ोन किया, फिर 1 बजे फ़ोन किया, फिर 5:30 बजे, तुझे नींद नहीं लेने देंगे, तुझे नींद आ रही है, तेरा बच्चा यहाँ पड़ा है मेरे पास, तुम पैसे लेकर जल्दी निकल, 11 बजे को ट्रेन पकड़, जल्दी कर। मैंने पूछा सर इतना 24 घघंटे लगेगा, कम से कम 3 दिन सफ़र लगेगी, कैसे आएंगे? बोले मैं ये नहीं जानता, तुम पैसे केवल इकट्ठा कर और मेरे पास आ, हाँ तेरे बच्चे को टुकड़े टुकड़े में करके फेंक दे, कल तेरे बच्चे को एक एक गुदरी काट के मैं भेजूंगा 1 महीने में। थाने गई थी फिर आप? ये थाने पे आई हूँ सर। थाने पे कोई किसी से आपने कोई शिकायत दी? हाँ, शिकायत लेकर ही आई हैं और सब लोग हैं मेरे पास। इस साहब से मुलाकात हुई, बोले बोले तुम लोग बम्बई जाओ, तुम्हारा लड़की का वहाँ से आप